प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश, तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें करना क्या है आपको कि जैसे आपके पास रहेगा, मान लीजिए कोई कुंडली है, उसमें चुंबकीय उस फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है वो है डेल्टा फाइव बी है, ठीक है। और उसके बाद समयांतराल कितने समय में ये परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा टी समयांतराल में हो रहा है, ठीक। और मान लेते हैं कि उस कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो उस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा वो E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस n टाइम्स डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ये चीज हो जाएगी। अब चूंकि परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी इसका अगर हम परिमाण की बात करें, परिमाण अगर हम यहाँ पर इसका देखें, परिमाण कितना हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो वो हमें मिल जाएगा E बराबर पॉजिटिव में हो जाएगा n डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी, ये चीज़ हो जाएगी। अब हम देखिए ओम के नियम से जानते हैं B इक्वल टू आई आर होता है, वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मतलब I बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं E बाई आर, जहाँ R क्या है, कुंडली का प्रतिरोध हो जाएगा। तो E की जगह पे हम ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं और I इस तरह से हमको ये मिल जाएगा n डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी और बटे में इधर आर, यानी आई आई हमें ये प्राप्त हो जाएगा और यही आई जो होगी वो होगी प्रेरित धारा, ठीक है। तो प्रेरित धारा हमको इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी चीज है प्रेरित आवेश, अगर हम निकालना चाहें तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू डेल्टा टी, वैसे हम समय को यहाँ पे डेल्टा टी कह देते हैं, जबकि जनरल फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, टी होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये रख देते हैं, फिर आई की जगह पे उठा के सारा का सारा ये रख देते हैं, तो Q इक्वल टू हमको मिल जाएगा आई के अलावा, अब ये पुट पुट कर दीजिए n बाई आर इंटू डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और जो प्रेरित आवेश है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी n बाई आर इंटू डेल्टा फाइव बी, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूले हो गए किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए आपका जो है फार्मूला, मेन फार्मूला हो गया ये वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और उसके बाद में प्रेरित धारा को देखो तो ये हो गई, और उसके बाद में जो प्रेरित आवेश है ये।